नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। बदला लेने का सबसे असरदार तरीका, हमें से कौन है जो बदला नहीं लेना चाहता। बदले ने बड़े बड़े इतिहास लिख दिए कि दुनिया और कुछ भी नहीं, बदले की गूंज है। वी आर द रिएक्शंस। हमें से हर कोई अपनी बेइज्जती का, अपने अपमान का बदला लेना चाहता है, और बदला लेने का मजा ही अलग है। बदला लेने के लिए लोग अपना सब कुछ लुटाने और मिटाने के लिए तैयार है, इवन अपनी जान भी देने के लिए तैयार है कि बदला ले ले, मर भी गए तो क्या होगा। बदला लेने में बड़ा मजा आता है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बदला लेने का सबसे असरदार तरीका बताऊंगा। आप भी चाहते हो ना बदला लेना अपने अपमान का, तो कोई ऐसा तरीका हम खोज लेना जिससे बदला भी ले लें और मजा भी आ जाए और जीवन भी सफल जाए और सब कुछ बदल जाए। तो देखो, कभी भी ध्यान में रखना, बदला लेने के दो तीन तरीके हैं। जैसे समझो, किसी ने आपका अपमान किया तो आपने उसका डबल अपमान किया। किसी ने आपकी एक आंख फोड़ी तो आपने क्या किया, उसकी दोनों फोड़ दी और उसकी टांग भी तोड़ दी, साथ में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो मैंने कहीं सुना था कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए तो एक दिन सारी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, है ना। उसने मेरा एक हाथ तोड़ा, मैंने उसके दोनों तोड़ दिए, फिर उसने मेरी दोनों टांगें तोड़ दी, बचेगा क्या, लास्ट में दोनों मर ही जाएंगे। तो बदले की अगर यही दास्तान चलती रही, बदले की आग में पूरे के पूरे गांव नेस्तनाबूद हो गए, पूरी बस्तियां उजाड़ हो गई बदले की लड़ाई हो। तो ऐसी लड़ाई का क्या करेंगे कि ना हम रहे ना तुम रहे, ऐसे बदले का मतलब भी क्या होगा। बदले का मतलब है बदलना। बदले का असली मतलब है बदलना। बदले का मतलब हम ये चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए। उसने मेरी बेइज्जती करी थी, उसने मेरा अपमान किया था, उसे मेरा सम्मान करना चाहिए। हम यही चाहते हैं, अब यकीन मानो, यही असली बदला है। लेकिन अब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप अपनी ऊर्जा और अपने समय को उसको नीचा दिखाने की बजाय अपने आप को विकसित करने में खर्च करो। असली बदला यह है खुद को बदलना। उसको छोड़ दो, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दो। कोई बदतमीज है, बेगैरत है, गाली गलौज करता है, लोगों का अपमान करता है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो ऐसा ही रहा तो एक दिन ईंट का जवाब पत्थर से उसको मिलना ही वाला है, पक्का 101% 1000% आपको सुनाई भी देगा। उसे उसके कर्मों की फल तो ईश्वर दे ही देगा, अस्तित्व दे देगा, एग्जिस्टेंस दे देगा। आप मत दो, आप अपनी ऊर्जा को अपने आप को बदलने में लगा दो, अपने आप को विकसित करने में लगा दो। यकीन मानो, आप जो व्यक्ति आपको कल नीचा दिखा रहा था, जब आपका कद बड़ा हो जाएगा तो वही सर झुकाकर आएगा। ऐसा मैं अनुभव से बोलता हूँ। ऐसे मेरे कई दोस्त थे, आप यकीन मानो, जो मेरा कभी मजाक उड़ाया करते थे। शायद वो दोस्त भी ये वीडियो देख रहे हो, बड़ा मजाक उड़ाते थे, बड़ी बेइज्जती करते थे, मगर कौन परवाह करता था। मैं मन ही मन मंद मंद मुस्कुराता रहता था और अपने ऊपर काम करता रहता था। अब बरसों बीत गए, उनमें से कई दोस्त वीडियो जरूर देख रहे होंगे, मुझे पता है वो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद ही बैंड डाउन हो गए, खुद ही झुक गए। नियमित रूप से उनके मेरे पास मैसेज आते हैं, हालांकि मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं सबके मैसेज आंसर कर ही नहीं पाता। बेशुमार मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर। उसकी वजह कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान या बहुत बड़ा आदमी हूँ, कुछ नहीं, छोटी सी वजह है मेरे यूट्यूब पर वीडियो आते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, इसलिए लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो इसमें कोई मेरी विशेषता नहीं, ये उनका प्यार है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं उनके मैसेज जरूर आंसर नहीं कर पाता, मगर उनके प्रेम की कदर करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त जो मुझसे कभी बहुत चिढ़ते चलते और मेरा अपमान करते थे, नियमित रूप से उनके मैसेज आते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, और वो बड़े प्रभावित हैं मुझसे। उन्होंने खुद अपना कद मेरे सामने छोटा महसूस होता है, हालांकि मुझे महसूस नहीं होता। मेरे लिए वो जितने सच्चे और अच्छे पहले थे, उतने आज भी, जितना प्रेम जितनी कदर उनकी पहले थी उतनी आज भी। तो बदला लेने का सबसे असरदार तरीका क्या है? आप अपने आप को बदल लो। अब अपने आप को इस ढंग से बदल लो कि सामने वाला खुद ही झुक जाए। अब अपने हृदय के दरवाजे को इतना बड़ा कर लो कि ऊंट भी घुसे तो उसे दरवाजा बड़ा नजर आए, है ना। आप अपने कद को बढ़ाओ,
अब अपनी सरहद को बढ़ाओ, अब अपनी सीमाओं को बढ़ाओ, अब अपने हुनर को बढ़ाओ, अपने हुनरों को ऐसा तराशो, पत्थर को भी ठीक से तराशो तो भगवान बनकर जिंदगी भर उसकी पूजा करते हैं लोग। तो जब हम पत्थर को तराश कर ईश्वर बना सकते हैं तो क्या अपने आप को तराश कर एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते? ऑफकोर्स बना सकते हैं, मगर हमारा ध्यान इस तरफ कहाँ गया? हम तो दूसरे को नीचा दिखाने में अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसे ऐसा मत करिएगा, अपने आप को बदलिए, ये सबसे बेहतरीन बदला है। मुझे लगता है ये तरीका आपको पसंद आएगा। आज से इसी पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो हम सबको बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन और ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अभी सब कहां से सीखें, किससे सीखें, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए।